नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम पन्ना में हैं, हमारे साथ मुकेश जी हैं। तो बजाय मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं, आप खुद ही एक बार बताइए प्रोफेशनली क्या करते हैं और टूरिज्म में आपकी जो रुचि है। वीजा टू एक्सप्लोर के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश पांडे और मैं पन्ना में एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में पोस्टेड हूं, पर बाय इंटरेस्ट मैं ट्रैवल और टूरिज्म से काफ़ी रिलेटेड हूँ। पन्ना की जो टूरिज्म सोसाइटी है उसका मैं मेंबर भी हूँ। देखिए, पन्ना खजुराहो से लगभग 35-40 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आकर ना मुझे इतना तो पर्सनली महसूस हुआ कि अगर आप खजुराहो आ ही गए हो तो पन्ना आपकी आइटनरी में होना चाहिए। मतलब मेरी पर्सनल फीलिंग है, क्योंकि अभी हम देखिए डायमंड चौराहा बोलते हैं इसको जी। वैसे पन्ना के बारे में सोचते ही ना सबसे पहले हमें दो ही चीज़ समझ आती है, मतलब इमीडिएटली, एक टाइगर सफारी और दूसरा डायमंड। तो इसीलिए शायद इस चौराहे का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। एक काम करेंगे, जैसे हम आगे चलेंगे ना थोड़ा इसके बारे में और समझेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा हम करें कि सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि आपने बताया आप कुछ ही समय के लिए फ्री हैं। तो पोहा खा सकते हैं नाश्ते में? बिल्कुल खा सकते हैं। तो अभी कहाँ चल रहे हैं? अभी हम यहाँ पर अस्पताल चौराहे पर कुछ हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो बहुत अच्छा पोहा बनाते हैं, उनके पास चलते हैं। आइए। मैंने एक चीज़ देखी है, जितना पोहा का चलन एमपी में और महाराष्ट्र में है उतना शायद इंडिया के किसी स्टेट में नहीं होगा। बेसिकली पोहा मराठी देसी है, लेकिन ये जो इंदौर की वजह से फेमस हुआ। पोहा तो बहुत चलन है इंदौर में। सुबह कितने बजे जाते हो आप? सुबह 7 बजे। और कब तक रहता है पोहा यहाँ? 2-2.5 घंटे। 7 से 2-2.5 घंटा। जहाँ पर पोहा का बहुत चलन होता है ना, तो वहाँ मैंने ये नोटिस किया है कि वो लोग ना स्टीम पे पोहा ही को गर्म करते हैं। भैया पानी है नीचे? अब जहाँ कम चलन है वो लोग बना के रख लेंगे और 1 घंटे तक पोहा चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? ये हमारी फ्रेंड। अच्छा, ओ सही है। सासा जलेबी वाली, ये कहाँ से ली जलेबी आपने? अच्छा, चलो सही है, आप हमारे लिए बगल से जलेबी ले आए, थैंक यू। वैसे एक बात है, पोहा बनाया तो बढ़िया आपने, सौंफ वगैरह डाल के बढ़िया से, और सेब और मूंगफली दाना के साथ और थोड़ा सा प्याज काट के दे दिया, गुड टेस्ट। इस एरिया में जलेबी दो तरह की चलती है, ये मैदा वाली जलेबी है, इसके अलावा मावा वाली जलेबी भी यहाँ प्रचलन में है। अच्छा, ब्लैक कलर की होगी, उसका टेस्ट अलग होता है। मावा की जलेबी। चलो ये पोहा फिनिश करके यहाँ से जाने वाले हैं, आपके मुताबिक हमें कहाँ जाना चाहिए पहले? रानीपुर शेहार चलेंगे। रानीपुर करके एक गाँव है, ये भी हिस्टोरिक प्लेस है, महाराजा छत्रसाल से जुड़ा हुआ है, उसके पास में ही एक वाटरफॉल है। कितना दूर है ये रानीपुर? यहाँ से पन्ना से लगभग 10 किलोमीटर है। तो वहाँ पर भी आपको बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, चलो तो अभी हम पहले रानीपुर जा रहे हैं, फिर वापस लौट कर आएंगे, फिर यहाँ हम ओल्ड स्टाइल आर्किटेक्चर के जो टेम्पल्स हैं ना वो विजिट करेंगे। हम ना रानीपुर की ओर जा रहे थे, तो मैंने मुकेश जी से बोला ये थोड़े खुदाई हो रखी है, ये क्या है? ऐसा खुदाई हमने ना 2 बार पहले भी देखी थी रास्ते में, तो इन्होंने मेरे को बताया कि ये हीरे की खान है। तो थोड़ा और डिटेलिंग करके आप बताइए कि बाहर निकाल चुके, इसका मतलब यहाँ जितना खोज करनी थी हो चुकी? नहीं नहीं, बिल्कुल अभी चल रही है। एक्चुअली पूरी एशिया में सिर्फ हीरे की खदानें पन्ना में ही हैं, और सबसे बड़ी बात दुनिया में इतने कम गहराई पर सिर्फ पन्ना में ही हीरा मिलता है, मतलब 3 से 4 फीट में हीरा आसानी से मिल जाता है। तो हमने कहीं पे पढ़ा कि जैसे छत्तीसगढ़ में भी हीरे की खान है, ऐसा करके पढ़ते हैं? कई जगह हीरे की खान नहीं, वहाँ बाकी मिनरल्स हैं, लेकिन स्टोरेज या भंडारण वहाँ अन्य जगहों पर है, लेकिन माइनिंग सिर्फ पन्ना में ही होती है। और 1830 तक पूरी दुनिया में हीरा सिर्फ भारत में ही मिलता था, और कोहिनूर जैसे फेमस हीरे भी रहे हैं। कई कहानियाँ यहाँ पर हैं, मैंने भी 3 साल में देखे हैं कि लोगों को राह चलते भी हीरा मिला है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला जंगल गई थी लकड़ी बीनने,
और उसे वहाँ 40 लाख का हीरा मिला। अच्छा जी जी, पहली बात है हीरे को पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ लोग तो बताते हैं कि हीरा को पहचानने की जरूरत नहीं होती, वो खुद बता देता है कि हम हीरा है क्योंकि उसमें जो शाइनिंग होती है नॉर्मल पत्थर में नहीं होती है वो शाइन। और उसके अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे लोग नाखून में घिस के देखते हैं, अगर स्क्रैच हो रहा है तो वो हीरा नहीं है। हीरा भी यहाँ दो तरह से, एक कच्चा हीरा भी मिलता है जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो लगता है अगर आप हम जैसे लोग देखेंगे तो हम उसे हीरा ही मान बैठेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करिए किसी को एक हीरा मिल गया और समझ आ गया कि हीरा है, तो वो पर्सन करेगा क्या, मतलब उसको किसको जाके देगा उसका कीमत लेने के लिए? जी, एशिया का एकमात्र हीरा कार्यालय पन्ना कलेक्ट्रेट में स्थित है और माइनिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर अगर आपको हीरा मिलता है तो आप हीरा वहाँ जाके जमा कर सकते हैं। और साल में 2 से 3 बार नीलामी होती है, उस नीलामी के दौरान हीरा रखा जाता है। देश भर से हीरा के व्यापारी आते हैं उस ऑक्शन में, और अगर आपका हीरा बिकता है तो उसमें शासन अपनी प्रोसेसिंग फीस और TDS काट के बाकी पैसे जिसका हीरा है उसको दे देते हैं। कितना परसेंट काटते होंगे अंदाज़ में? 10% प्रोसेसिंग फीस होती है और 30% TDS होता है। अच्छा, तो बाकी पैसा आपके अकाउंट में बिल्कुल दे देंगे वो। और कई बार हीरा मिलने के बाद लालच बढ़ जाता है, ऐसा बताते हैं यहाँ जो लोग हीरे खोदते हैं वो कभी थकते नहीं है। तो हीरा खोदते खोदते दिमाग में जो लालच होता है हीरे का वो आपको थकान महसूस नहीं होने देता। तो ये जनरली सैंड स्टोन है और इन सैंड स्टोन को खोदते हैं, फिर इनको तोड़ते हैं, कई बार ब्लास्टिंग भी कराते हैं, और इनको तोड़ने के बाद फिर इनके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं मिट्टी सहित उनको बिछा के धोया जाता है, पानी से साफ किया जाता है, फिर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उनमें उनको यानी हीरा फिर खोजा जाता है। इनको चाल कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, जो ग्रेवल्स होते हैं आपको हम दिखाएं, ये जैसे ये मिट्टी डली हुई है, ये हीरे की चाल है, ये धुली हुई है। अब इसमें जो है एक एक कंकड़ करके बीना जाएगा तो इसमें आपको फिर हीरा मिल सकता है। और इसके बाद यहाँ पर अलग अलग ये गड्ढे बनाते हैं जिसमें पानी से धोया जाता है, उसको वो दोना कहते हैं। और एक चीज़ और है, पूरे देश में कोई भी अगर भारत का नागरिक है वो यहाँ हीरे का पट्टा ले सकता है, कुछ 100 रुपये दे के वो यहाँ हीरे खोज सकता है और अपनी किस्मत आजमा सकता है। अगर आपकी किस्मत में होगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले दूसरे दिन ही उनको हीरा मिल जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी लग गई लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और सबसे जैसे आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि 2-4 फीट पे भी हीरा है। बिल्कुल है, जो 2-4 फीट पे तो ठीक, बरसात के समय जो है लोगों को राह चलते हीरा मिल जाता है, मतलब आपको खोदने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी पूरी की पूरी गेम लक फैक्टर पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी किस्मत है तो आप हीरा पा सकते हैं। अति सुंदर, टू गुड। तो हम यहाँ से रानीपुर चलते हैं जी। बिल्कुल, और रानीपुर की मेन जो अट्रैक्शन है वो वाटरफॉल है। वाटरफॉल है, सामने रोड पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, अब हम यहाँ से ना कितना 100-200 मीटर पैदल जाने वाले। एक चीज बताओ, यहाँ कुछ बोर्ड लगा देना चाहिए इनको ना, टूरिज्म को, कि रानीपुर वाटरफॉल करके। एक्चुअली ये फॉरेस्ट एरिया है, ये बफर जोन है, तो जनरली अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए वो बोर्ड नहीं लगाए, क्योंकि फिर अगर फॉरेस्ट बोर्ड लगाता तो उनको फिर बाकी बेसिक फैसिलिटीज भी देनी पड़ेगी, वहाँ रेलिंग भी बनाना पड़ेगा, स्टेयर्स भी बनानी पड़ेंगी, इस पर्पज से कि बहुत ज़्यादा लोग ना आए। पन्ना जो है मुगल पीरियड में महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी, और महाराजा छत्रसाल की कई रानियां थीं जिनमें से एक मुस्लिम रानी थी, उनके लिए उन्होंने ये गांव बसाया था। यहां पर एक उनकी हवेली भी है और उस हवेली में वो मुस्लिम रानी रहती थीं। आज उनका मकबरा भी इस गांव में है। और आपको बता दें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो रानी थी उनकी बेटी का नाम मस्तानी था, जो हमने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है उसमें जो मस्तानी है वो छत्रसाल और उनकी मुस्लिम रानी की बेटी थी। तो यानी बाजीराव पेशवा की वाइफ जी। हुआ था कि 1728 की बात है, औरंगजेब का एक सेनापति था मोहम्मद खान बंगस, तो उस समय 1728 तक बाजीराव जो महाराजा छत्रसाल थे वो बूढ़े हो चुके थे, और ये मोहम्मद खान बंगस का जब अटैक हुआ तो उनके बेटे इतने सक्षम नहीं थे कि वो उनसे लड़ सकते थे। और उस समय हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में सबसे बड़ा नाम था बाजीराव पेशवा प्रथम का, तो छत्रसाल महाराज ने उनको 2 लाइन का लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि जो गति भई गजेंद्र की वो गति भई है आज, जो गति भई गजेंद्र की
वो गति भई है आज। गजेंद्र एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें हरिहर क्षेत्र बिहार में सोनपुर में है, उस जगह पे एक तालाब में एक मगरमच्छ ने एक हाथी के पैर को पकड़ लिया था। हाथी पूर्व जन्म में भक्त था, तो उसने जो है भगवान विष्णु को याद किया और भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठ के आए और सुदर्शन से उस मगर का उन्होंने वध किया, तो वो गजेंद्र मोक्ष कथा कहलाती है। तो उसी कथा का रेफरेंस उन्होंने दी कि जो गति भई गजेंद्र की वो गति भई है आज, और बाजी जात बुंदेल की, मतलब बुंदेलखंड की बाजी जाने वाली है, राखो बाजी लाज, मतलब बाजी राव से ये इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ही हमारी लाज रख सकते हैं। तो जिस समय बाजी राव को महाराजा छत्रसाल का पत्र मिला तो उस समय वो भोजन कर रहे थे, तो भोजन छोड़ के ही वो निकलने के लिए उठे, तो उनकी पत्नी काशीबाई ने उनसे कहा कि पेशवा आप भोजन तो कर लें। तो बाजीराव ने कहा कि नहीं, आज एक क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण से सहायता मांगी है, और अगर मैं भोजन करने में लेट हो गया और वहाँ मुगलों की जीत हो गई तो इतिहास ये बात कहेगा कि एक ब्राह्मण भोजन के चक्कर में क्षत्रिय की मदद के लिए समय से नहीं पहुँच पाया। और उस समय का सबसे तेज हमला लगभग 2.5 से 3 दिन में पुणे से बुंदेलखंड महाराज जो बाजीराव पेशवा छत्रसाल की मदद के लिए आए, और उन्होंने फिर उस युद्ध में मोहम्मद खां बंगस को हराया, और उस युद्ध के बाद छत्रसाल महाराज ने उन्हें अपना तीसरा बेटा माना, दो बेटे उनके पहले से थे, और अपने राज्य का तीसरा हिस्सा 1/3 हिस्सा जो है बाजीराव को भेंट सहित दिया। हालांकि उस लड़ाई में बाजीराव घायल हुए थे, तो उनकी सेवा जो है मस्तानी ने की थी, और यहीं से उनके बीच में लव स्टोरी स्टार्ट हुई। अच्छा, और तो ऐसा करके बाजीराव पेशवा का विवाह मस्तानी के साथ मस्तानी से हुआ। बिल्कुल। अब जैसे चलते चलते हम लगभग 200-250 मीटर तो आ ही गए हैं, और ये हाँ ये बड़ा अच्छा मस्सा एरिया है। बिल्कुल, एकदम पूरा ग्रीन एरिया है, पेड़ है, घास है, नेचुरल सा एनवायरनमेंट है। जैसे उत्तराखंड में जैसे बुग्याल कहते हैं, तो उस टाइप का एरिया है, ग्रासलैंड है। और ये नीचे क्या है, प्लेटो है? हाँ, ये प्लेटो है, सामने आपको वैली भी मिलेगी, और वो वैली भी बड़ी खूबसूरत है। सामने का माउंटेन है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और इस एरिया में आपको बता दें कि लगभग ये जो रोड है, हम इसमें 5-6 किलोमीटर और आगे तक जाएंगे मेन रोड पर जोड़ने के लिए, उतने एरिया में कम से कम 10 से 12 वाटरफॉल है। अच्छा जी, हाँ। वाटरफॉल के पास तो हम देखो पहुंच चुके हैं, फर्स्ट व्यू तो हमने फॉल का यहाँ से ले लिया है, लेकिन ज्यादा क्लियर हमें व्यू यहाँ से दिखाई देगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा 4 कदम आगे चलते हैं। बिल्कुल। और वाटरफॉल को नजदीक से देखते हैं। ये पूरा पथरीला इलाका है, जैसे अभी देखा ना हमने, कितना देखो मस्त व्यू है, ब्यूटीफुल। बारिश के टाइम पे इसकी खूबसूरती इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अगस्त महीने में, जुलाई महीने में। बिल्कुल। और इवन यहाँ पे जो वाटरफॉल नीचे ड्रॉप होता है और उसके बाद उसकी जो वेपर्स होती है वो बिल्कुल जन्नत वाला नज़ारा ही फील कराती है। मैं वही यहाँ खड़े होकर महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब इतनी हाइट से पानी नीचे गिर रहा है ना, तो छींटे जो पानी के उठ रहे हैं, पानी के छींटे यहाँ तो ठीक वहाँ तक दिखते हैं। अच्छा जी, मतलब दूर से देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बादल बन रहा हो। पानी का सोर्स ये बरसाती नाला है, जंगल से बारिश का पानी इकट्ठा होता है और ये 4-6 महीने फ्लो रहता है। तो यानी ये जनवरी फरवरी आते आते खत्म हो जाएगा, मतलब 1-2 महीने का और। बिल्कुल, इस साल बारिश थोड़ा लेट हुई इसलिए अभी भी अच्छा पानी है। पानी 4-5 स्टेप से होते होते फिर नीचे गिर रहा है। बिल्कुल, मजा आ गया। वैसे मैंने ना ये चीज़ पिछले 2 दिन में नोटिस करी है, जहाँ जहाँ हम ऐसे वाटरफॉल देख रहे हैं ना, वहाँ पर पहाड़ एक सी जैसे शेप बना रहा है। ये एक्चुअली ये पूरा एरिया वल्कनो रीजन था, यहाँ पे ज्वालामुखी थे, तो ये क्रेटर है, यहाँ ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और ये लावा जो ये जो स्टोन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लावा जमा हुआ है। अच्छा, ये स्टोन में कन्वर्ट हुआ। तो ये पूरा माउंटेन जो विंध्याचल रेंज है, ये वल्केनो की देन है, और इसलिए यहाँ के आसपास की मिट्टी जो होगी वो लाल या काली होगी, और उस मिट्टी में जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। फर्स्ट वीक नवंबर में ये जगह कैसी दिख रही है आपने देख लिया, अब आप अगस्त जुलाई में आओ और बारिशों में देखो, तो फिर हमें बताना आपने क्या देखा। अति सुंदर। तो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। बिल्कुल ना, और हम तो कहेंगे कि यहाँ से हम चल जरूर रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं दोबारा आने के लिए। हाँ। क्योंकि पन्ना में आप हर जगह पे दूसरी बार आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा, फ्यूचर में कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी। मैं अगर फ्यूचर में आऊंगा ना, तो बारिशों के हिसाब से आऊंगा वाटरफॉल्स देखने के लिए। हाँ, तो मैं तो मुझसे मिलने जितने भी लोग आते हैं या जो भी घूमने आते हैं, तो उनसे हम कहते हैं कि पहले पन्ना एक बार देखो,
और उसके बाद पन्ना बार बार देखो, क्योंकि हर बार आपको नया एक्सपीरियंस होगा। फैंटास्टिक, मजा आ गया। एक चीज और बताता हूँ ऑब्जर्वेशन, कि ये रास्ता ना बहुत खाली है। अब जैसे ये मोटरसाइकिल दो जो निकली है, शायद 5 मिनट में या 4 मिनट में एक बार होगा एक आध बाइक निकलती है। बड़ा शांत सा एरिया है। और अब अच्छा लगा ये बातों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब इनको हम यहीं पे बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको ना कुछ काम है, उस पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा, आपने हमें क्वालिटी समय दी, और मेरे को पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगी है कि आपकी जो नॉलेज है ना हिस्ट्री के ऊपर और अदरवाइज टूरिज्म पे, रिमार्केबल है, रिमार्केबल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हम इस समय पन्ना सिटी की तरफ आ चुके हैं। हमें ना यहाँ शिवादित्य को मिलना था, तो इस समय शिवादित्य भी हमारे साथ हैं और शिवादित्य की सिस्टर भी हमारे साथ हैं। तो अभी हम ना इनके घर ही आ गए हैं। तो शिवादित्य ने हमें बताया कि अगर आप कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग का काम देखना चाहते हो तो इनकी सिस्टर करती हैं, हमारे साथ खड़ी हुई हैं। तो हमने कहा ठीक है, आपके घर में ये ब्लॉक प्रिंटिंग का काम देखते हैं और उसके बाद हम टेम्पल विजिट करने चलेंगे। ये मुंह को कवर करने के लिए, इसको मल्टीपर्पज हेड एंड माउथ वेयर बोलते हैं, बफ भी बोलते हैं। ऐसा वैसे बाय द वे कॉस्ट क्या करता है ये? लाइक अगर मतलब मैं सिंगल पीस देती हूँ तो 350। अच्छा। एंड बल्क में फिर वो उसका डिफरेंट प्राइस होता है। और क्या क्या ब्लॉक प्रिंटिंग में? ब्लॉक प्रिंटिंग में स्कार्फ्स हैं, ये सारे स्टोल्स हैं, ये शर्ट है, ये आप देखेंगे ये बाघ प्रिंट जो एमपी का फेमस ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक है, उसको यूज में लेके ये बर्ड्स बनाया, ये इन लोगों ने ही बनाया है। अच्छा, आप बनाते हैं? ट्रेन किया है मैंने। तो ये फैब्रिक को क्या बोलते हैं? बाघ प्रिंट। सो नाइस। तो अंदर क्या फिल करते हो? अंदर लाइक वेस्ट चीजों को मैं यूज करती हूँ, सो दैट वो यूटिलाइज भी हो चीज। एंड ये इयररिंग्स हैं, ये सारे बाघ प्रिंट के इयररिंग्स हैं। तो इयररिंग्स के हिसाब से थोड़ा वजन ज्यादा नहीं है इसका? ये बहुत लाइट वेटेड है, आप देखो। अच्छा, देखने से लग रहा था बट उतना हैवी नहीं है। सही है, बड़ा यूनिक चीज है। तो हाउ मच डज दिस कॉस्ट? दिस इज आई एम सेलिंग फॉर 200 पर पीस, एंड बल्क प्राइस मेरा डिफरेंट होता है एंड रिटेल प्राइस मेरा डिफरेंट होता है। नेचुरल है। अच्छा, शर्ट्स भी हैं आपके पास यहाँ पर? शर्ट्स है मेरे पास, बट मैंने अभी ये सैंपल वाली चीजें रखी है, ऑर्डर पे भी बनवा देती हूँ मैं। तो ये क्या कॉस्ट करती है? ये 800 सेल करती हूँ मैं। ये सारे ब्लॉक्स हैं जिनके पास नॉलेज थी, वेरी न्यू, बिकॉज ये चीज पन्ना के आसपास आपको कहीं भी ब्लॉक प्रिंटिंग कोई नहीं करता है। तो लाइक मुझे था कि इन लोगों को भी लाइवलीहुड मिलना चाहिए, बिकॉज इन लोगों के पास एज सच बहुत ही ऐसे कम्युनिटी है ये, कि कोई एंटरटेन नहीं करता इनको हाउसेस में, क्योंकि इनका एक स्टिग्मा बना हुआ है जिससे लोग अवॉइड करते हैं। तो मुझे था कि इन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत अच्छी बात है। एंड ये लोग वॉक विद पार्टी भी कराते हैं, ये जाते हैं, इनको अलग अलग जानवरों के आवाज़ निकालना भी आते हैं। आता है वो जानवरों की आवाज़ निकालना? तो आप वो सुन सकते हैं वो? तो किसी की आप आवाज़ निकाल कर बताइए, हमें तो वैसे आवाज़ पहचान में नहीं आएगी, फिर भी स्लॉथ बेयर की सुना सकते हैं, भालू की सुना दो रे भाई। इंटरेस्टिंग बात है। ओ गॉड, अमेजिंग। एक दो बार और करिए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये तो बड़ी स्किल है। हाँ, ये तो लोगों के पास। और किसकी आवाज निकालनी आती है आपको? सुअर की। अच्छा, वाइल्ड बोर की। Amazing, amazing. बहुत बढ़िया। ये लोग बहुत talented हैं इस वे में, अगर आप देखें तो बहुत बहुत। तो ये काम करते हुए आपको कितना समय हो गया? 7-8 महीने। 7-8 महीने। तो इसे एक obviously tourist को कुछ मिल गया, हाँ, end product, और साथ में आप लोग को employment मिल गई, और काम भी इंटरेस्टिंग है, काम भी, क्योंकि इसमें नए नए डिजाइन करते रहोगे तो अपना enjoy करेंगे। तो कुछ आप quickly print कर ले कहीं? इसमें अपन ये वाला लगाते हैं, पुष्मा आप आ जाओ। वो लेपर्ड है, लेपर्ड फेस है। ये लोग स्टिचिंग करने से लेके कटिंग करने से लेके प्रिंट सारा कुछ ये लोग करते हैं। लेपर्ड से ध्यान में आया कि पन्ना टाइगर रिजर्व में लेपर्ड है तो सही, बट देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अच्छा, कोई लकी है तो उसकी साइटिंग हो ही जाती है लेपर्ड की। नाइस।
तो अगर किसी को ज़्यादा डिज़ाइन देखने हैं तो जो मैं आपकी बात से समझाऊँ, या तो सोवनीर शॉप विजिट कर लो या फिर इंस्टाग्राम पेज में ऑनलाइन चेक कर लो। ऑनलाइन चेक, ये दो क्विक तरीके हैं। हाँ, मैं वेबसाइट के लिए काम कर रही हूँ, वेबसाइट बहुत जल्दी आ जाएगी मेरी। अच्छा, कुछ एक आध आवाज और निकाल दीजिए जाते जाते। एक बंदर की रह गई है, बंदर की इसको आती है। जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत खूबसूरत। चलो अच्छा रहा आपके पास आके हमने ब्लॉक प्रिंटिंग देख ली और ये इनसे तो मुलाकात कर ही ली। सबसे मेन बात है, देखो ये सब कामों के जरिए ना जो रोजगार मिलता है ना लोगों को, वो एक बहुत बड़ी बात है। मेरा वही मोटिव था कि मुझे लेडीज से थोड़ा सा था, क्योंकि फिर भी मेल्स वॉक विथ पार्टी करते थे तो उनको अर्निंग तो थी, बट लेडीज़ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब ये लोग जाने लग गए हैं वॉक विथ पार्टी में, बट पहले अच्छा। इन लोगों के पास नहीं था, तो वो ये भी करते हैं एंड प्लस यहाँ पे भी ये चीज़ करते हैं। बहुत सुंदर, ठीक है जी, अब हम चलते हैं टेंपल विजिट को। थैंक यू। यहाँ से निकलने से पहले ना शिवादित्य के हाथ में हम कुछ डायमंड के ऐसे सैंपल देख रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन देखने में ये डायमंड ही लग रहे हैं। ठीक है, अब जैसा आपने बताया कि ये मैच्योर नहीं हुए जी, ये मतलब समय के पहले एक्सकवेट कर लिए गए, तो अब इनकी कोई वैल्यू मतलब रॉ है ये। और उसके चलते जिसको अगर समझ नहीं है उसको अचानक दिखाओ तो, जैसे आपको या मैं किसी मतलब बाहर वालों को दिखाऊं तो वो डायमंड ही समझते हैं। बस ये बोलना है कि कटिंग एंड पॉलिशिंग नहीं हुई है, इसलिए रॉ फॉर्म में है, डायमंड ही है एक तरीके से। डायमंड है, लेकिन इसको समय और मिलता तो जी ये ओरिजिनल फॉर्म हो जाता, ओरिजिनल फॉर्म ले लेता। ओरिजिनल का शाइन ये हो जाता है, ये भी पन्ना डायमंड ही है, सो कट पॉलिश करके रेडी किया गया है ये वाले को। तो अब सोचो अगर ये ओरिजिनल होता तो इसकी कीमत लाखों में होती, अराउंड 15 टू 16 लाख 20 लाख इसका कीमत होता हाथ इस वाले का। चलो बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं, इससे पहले कि टेंपल का क्लोज होने का टाइम हो जाए हम लोग चलते हैं जी टेंपल। चलो तो नहीं, चल के पहले ये टेंपल विजिट करते हैं, बाकी फिर टाइम जैसे मिलेगा उस हिसाब से जरूर कर लेंगे। तो ये सामने जो आप टेंपल देख रहे हैं ये अपने बलदाव जी का है, कृष्ण भगवान के बड़े भाई का। अब अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं। देखो जो मेन टेंपल है वो तो सामने आप यहाँ पे देख रहे हैं, भी हम जाएंगे, लेकिन टेंपल कंपाउंड के अंदर ही ना एक बड़ा सा स्पेस है, आप परिक्रमा करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा चलो अंदर चलते हैं। टेंपल में एंटर करते ही ना झूमर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर जी, ये भी पुराने हैं, बट जब मंदिर फर्स्ट टाइम यहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया था तो यहाँ पर बेल्जियम से लाए गए शैंडलियर्स टांगे गए थे, ऑल दो वो अब नहीं है, उनके बदली में ये वाले शैंडलियर्स रिप्लेस कर दिए। मंदिर में यहाँ पर सामने हम बलदेव जी की मूर्ति के तो हम दर्शन कर ही रहे हैं, बहुत खूबसूरत दर्शन है। ये दोनों महाराजा हैं पन्ना के, और जिन्होंने ये टेंपल कंस्ट्रक्ट कराया था उनका नाम महाराज रूप प्रताप सिंह है, डिजाइनर्स महेंद्र महाराजा सर रूप प्रताप सिंह इनका नाम था। और उनके जो फादर हैं निरपत सिंह, उनकी फ़ोटो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर देखने को मिलेगी। अच्छा, ये दोनों बड़े कैनवास पेंटिंग्स हैं और ये प्रॉपर सिल्क में इनको क्या नाम है कैनवास पेंटिंग किया गया है। तो ये कितना प्राचीन मंदिर है? ये टेंपल अराउंड आज से मान के चलिए आप 150 साल पुराना तो है, ये 1876 में कंस्ट्रक्ट हुआ था ये वाला टेंपल। कोई स्पेसिफिक रीज़न है यहाँ पर बलदेव जी का मूर्ति है और भगवान कृष्ण का मूर्ति नहीं है? हाँ, इनको यहाँ अनाउंस करने का बहुत बड़ा रीज़न था। आज से आप उस समय की अगर बात करें 1876 में, तो उस समय सेंट्रल इंडिया और दक्कन के रीजन में फैमाइन आया हुआ था, बहुत ज़्यादा भुखमरी थी और बहुत ज़्यादा क्या नाम है खेती फसल लोगों की नष्ट हुई थी। तो इस मंदिर को बनाने का मेन कारण ये था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा फैमीन के टाइम पर, और बलदाव जी को यहाँ लाने का कारण ये था कि क्योंकि गॉड ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं तो किसानों को मोटिवेट करा जा सके कि डेटी आपके खुद शहर में है तो आप कैसे इस चीज़ को रिवाइव कर सके। और जो आप सामने ये स्कल्पचर देख रहे हैं कि शालिग्राम पत्थर पे हैं, शालिग्राम की हमको छोटी छोटी नदियों में स्टोन्स देखने को मिलते हैं, बट इतना बड़ा स्टोन्स एक पीस में हमको बहुत रेयरली देखने को मिलता है। और ये जो आप सामने स्कल्पचर देख रहे हैं ये वृंदावन से स्पेशली लाया गया था, और पूरा स्टेट प्रोसेशन के थ्रू इनको महाराज रूप प्रताप सिंह आज से 150 साल पहले पन्ना में लेकर आए थे, वृंदावन से लेकर आए थे सर। बहुत खूबसूरत,
जो उनके ऑब्वियसली उनको उनको उसका अवतार माना जाता है। नीचे हल और मूसर भी है जो उनके ड्रेस के नीचे छुपे हुए हैं, वो उनके एट्रीब्यूट्स। टेम्पल के जस्ट बाहर खड़े होके जब हम इसका आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना, तो काफ़ी डिफरेंट है। आमतौर पे जब हम टेम्पल्स विजिट करते हैं तो इस प्रकार का आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलता जी। तो ये कम्प्लीटली यूरोपियन स्टाइल है या उसमें कुछ लोकल इन्फ्लुएंस ऐड है? फॉर एग्जांपल ये जो गुंबद है, आपके बाकी टेम्पल्स में भी इस प्रकार से? हाँ सर, और ये काइंड ऑफ अ फ्यूजन आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं है तो ये क्लासिकल यूरोपियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड, पर जो पन्ना का हमेशा से क्लासिकल ऑर्डिनरी टेम्पल प्लान रहा है उसको यहाँ पर भी उन्होंने फॉलो किया है, जिसमें आपको जो ये टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं ये आपको बाजू बाजू में, ये आपको पन्ना के आस जो 400 साल पुराना टेम्पल भी है उनमें भी देखने को मिलेगा, जो आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। हाँ, बट वॉट मेक्स इट मोर लुक्स लाइक अ चर्च, इसकी जो इसका क्लासिकल फसाड है, अगर आप देखें तो सामने आपको ऊपर टॉप में ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, फॉलोड बाई टू अपना कोरियंथन प्लास्टर्स देखने को मिल रहा है, बीच में आपको आयोनिक पिलर्स देखने को मिल रहे हैं जो टिपिकल यूरोपियन मोरी। अभी वॉक करते करते ना हम बड़ा बाज़ार में आ गए हैं, बड़ा बाज़ार ही बोलते हैं इसको। तो ये मार्केट वहाँ से शुरू होती है और इस कॉर्नर तक आती है जी। ये भी हिस्टोरिकल मार्केट है, आज से 125 साल पुराना मार्केट है। 125 साल पुराना बाज़ार है मार्केट, पूरा कोलोनेटेड, जैसे जयपुर का पूरा कोलोनेटेड मार्केट है वैसे ये 125 साल पहले वैसे ही मार्केट होता था। अच्छा, आज हम आपको एक फेमस शॉप में लेके चलते हैं, राजा होटल बोलते हैं, यहाँ का समोसा बहुत फेमस है। अच्छा, अभी ना हमारा लंच भी बहुत ज़्यादा डिले हो गया, लंच करना चाहिए 2 बजे 3 बजे और आज हम लंच करेंगे 4:30 बजे। वो इस वजह से कि यहाँ से हम मडला की तरफ जाएंगे और वहाँ पे लंच करने वाले हैं और मडला यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। आइए जी समोसा खा लेते हैं, ये ठीक रहेगा। लो जी समोसा हमने ले लिया, ये समोसे के साथ इन्होंने चटनी डाल दी ना, तो यहाँ समोसे के साथ चने का चलन नहीं है जैसे लोग? नहीं सर, यहाँ समोसे का चलन का नहीं है, मठा का बहुत चलन है यहाँ, छाछ जिसको अपन बोलते हैं उसका बहुत चलन है यहाँ पर। और जो ये राजा होटल समोसा अपन खा रहे हैं, इसकी USP है कि ये 12 महीने चटनी में हमेशा आपको मूली डालेंगे ही डालेंगे, और मूली का फ्लेवर आपको इसमें आ रहा है, वही इस राजा होटल जो काफ़ी फेमस है पन्ना में उसका USP है। टेस्ट तो इनका अच्छा है, लेकिन क्या है शॉप का जो अपकीप है ना वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब क्या समय के साथ ना आजकल वो भी बड़ी टूरिस्ट एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जिस हिसाब से साफ सफाई हो, टेबल्स हों, चेयर हों। जरूर सर, बट ठीक है सर, अपने सजेशंस दिए हैं, अपने शॉपकीपर हैं, पर इनको जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप पन्ना को अगर टूरिस्ट टाउन बनाना है तो कोई सब चेंजेस। वो समय के साथ क्या है जी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, समोसे का स्वाद एकदम सिंपल है, सबसे मेन बात है चटनी में भी बड़ी हाई लेवल सिंपलिसिटी है, चटनी में भी कोई किसी प्रकार का तीखापन नहीं है, बट फ्लेवर शानदार है। चलो ग्रेट। तो ये पन्ना की मेन मार्केट है जी, बड़ा बाजार। बड़ा बाजार सर, और इसका खासियत ये है कि आपको दोनों साइड आज भी डोरिक कॉलम्स देखने को मिल जाएंगे जो एक यूनिफॉर्म मार्केट का एक छवि देते थे इस पूरे लेन को, आज भी आपको कहीं कहीं उसके रेमनेंट्स देखने को मिलेंगे, ऐसे पिलर्स पहले हुआ करते थे। श्री जुगल किशोर जू मंदिर पन्ना, तो जू मतलब सर जैसे अपन जी लगाते हैं रिस्पेक्ट के लिए, बुंदेलखंडी डायलेक्ट में जी को जू बोलते हैं, तो आप यहाँ पर जो भी मंदिर आप लोकल से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा वो नाम उसको जू ही बोलेंगे, बलदेव जू, किशोर जू, प्राणनाथ जू, इस तरीके से सर जू का यूज़ होता है। अभी हम जुगल किशोर मंदिर के अंदर गए, हमने भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के बहुत खूबसूरत दर्शन करे, अंदर आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मंदिर कितना पॉपुलर है। हमने दर्शन कर लेने के बाद कुछ लोगों से बात करके इस मंदिर के इतिहास को समझने की कोशिश करी, तो दो चीज़ें मालूम चली, एक तो ये कि 250 से 350 साल पुराना ये स्थान है जी। दूसरा हमें एक दो लोगों ने ऐसा बताया कि ओरछा के राजा
वृंदावन गए थे क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, वहाँ से भगवान के स्वरूप को लेकर वो यहाँ पर आए, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण यहीं पर विराजमान हो गए। फिर हमें किसी ने ऐसा भी बताया जब भगवान राम को ओरछा की रानी लेकर अयोध्या से ओरछा की ओर आ रही थी, तो भगवान राम की कंडीशन थी कि मैं जहाँ पे रहूँगा वहाँ मैं ही राजा बन के राज करूँगा, इसीलिए भगवान राम का जो ओरछा का मंदिर है वो राजा राम मंदिर के नाम से कहलाया जाता है। तो वहाँ से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को यहाँ पर लाके स्थापित किया गया और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की गई और राधा रानी जी की जो यहाँ मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं उसके बाद में उसकी स्थापना करी गई। ऐसा हमें दो लोगों ने यह बताया और एक जन ने दूसरी वाली बात बताई। अब पन्ना एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना पॉपुलर खजुराहो है या फिर ओरछा है या फिर ग्वालियर है। तो अगर आप पन्ना आएंगे तो आप ये टेंपल भी विजिट करिए जी। तो जैसे अभी ये क्लोज होने का टाइम हो चुका है तो रीओपन कब होगा ये? ये शाम को फिर ओपन हो जाएगा 7 बजे। तो 3 से 7 बंद रहता है? बंद रहेगा ये वाला टेंपल। किशोर जी का टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट है बाकी टेंपलों से बिकॉज यहाँ पर श्रद्धालुओं का बहुत मूवमेंट रहता है और यहाँ कम से कम 4 से 5 बार आरती होती है इस मंदिर में। बाकी मंदिरों का टाइमिंग मोस्टली मॉर्निंग में सुबह 6 से स्टार्ट होता है तो 12 तक रहता ही है, शाम को फिर 7 बजे स्टार्ट होता है तो 10 बजे तक रहता ही है। चलो चलते हैं, आइए। बाईपास पे जो वाटरफॉल है इसको देखने हम पहुंच गए हैं। आया तो मैं काफ़ी उम्मीदों से था क्योंकि मॉर्निंग में हमने इतना खूबसूरत वाटरफॉल देखा ना, लेकिन अभी यहाँ पे आके हमको थोड़ा ये बात का एहसास हुआ है कि ये बारिशों के समय ना एक्टिवेट हो जाता है जून जुलाई के आसपास। तो इस समय तो फिर भी चलो पानी है लेकिन 1-2 महीने के बाद ये पानी भी शायद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको चल के ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हम जहाँ पर शिवादित्य घर है वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आगे आ गए हैं। ड्रॉप करके फिर हम मडला जा रहे हैं जहाँ पर हमको आज लंच करना है। मडला यहाँ से कितना, 15 किलोमीटर? हाँ सर, 15 to 18 किलोमीटर। ठीक है जी, चलो ग्रेट है, सही है, आपके साथ हमने अच्छा समय बिताया यहाँ पर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। पन्ना को भी एक अच्छा ऑडियंस मिलेगा, लोग देख पाएंगे। और साथ में एक चीज़ और है कि पन्ना को ना अभी MP टूरिज्म एज अ मानसून डेस्टिनेशन करके भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। सही भी है क्योंकि वाटरफॉल्स यहाँ एक्टिवेट हो जाते हैं। मिर्ज़ापुर यूपी हम गए थे वहाँ भी हमने ये देखा था, सोनभद्र में भी। तो ये मानसून डेस्टिनेशंस हैं। चलो ग्रेट है, ठीक है, अब आपसे कुछ देर में दोबारा मुलाकात करते हैं मडला होम स्टे पहुँचने के बाद। चलो आओ जी, ये हमारी गाड़ी खड़ी है सामने, इस पर चलते हैं। हम मडला पहुंच चुके हैं। मैंने आपको बताया था ना कोर जोन का एंट्री गेट है मडला, वहाँ से लगभग 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही हम हैं। ये गांव है, ठीक है, हमें सामने वो घर देख रहे हैं वहाँ पर लंच करने जाना है। उसके बाहर लिखा भी है रामाबाई होम स्टे। और इस समय हमारे साथ ना बलबीर जी, इनकी वाइफ और इनकी मदर मिल के होम स्टे रन करती हैं। अभी हम अंदर जाएंगे, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है तो हम अंदर चलते हैं फिर जी सर। बाकी लंच रेडी कर दिया जैसे आपसे बात हुई थी? लंच रेडी है, बहुत अच्छा किया आपने, आइए जी। तो आपके घर के ये सामने की जो दीवार है जी, ये मिट्टी की दीवार है? हाँ सर, मिट्टी की दीवार है। और ये हमारे नीचे किचन है। सही है, किचन है एकदम। हाँ जी नमस्कार जी, ये मेरी माता जी। नमस्ते नमस्ते, हेलो बेटा, क्या बात है, हेलो करो। सही है, बहुत बढ़िया, नमस्कार जी, नमस्ते। ये मेरी वाइफ है, वो मेरी सिस्टर है बड़ी। अच्छा, ये मेरी मदर है, ये मेरा बच्चा है, वो मेरी भांजी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप ये होम स्टे कब से चला रहे हैं यहाँ पे? सर हमको करीब 2 साल हो गए सर। अच्छा, काफ़ी समय हो गया। जी सर, जी सर। तो लोग बाग आप तक कैसे पहुँचते हैं? लोग बाग ऐसे पहुँचते हैं कि एक तो हमारा बोर्ड लगा है, बोर्ड देख के लोग बाग आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ जो गाइड हैं, ड्राइवर हैं, वो लोग जो गेस्ट जिसने पूछा उनसे ड्राइवर गाइड से तो के रुकने के लिए यहाँ कोई है तो बता देते हैं कि होम स्टे है, वहाँ आप रुक जाइए। समझ इस तरीके से हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं। और हमारे यहाँ हर राज्य से गेस्ट आ चुके हैं, दिल्ली, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, हर जगह से। वेरी गुड जी। तो हम एक काम करते हैं,
पहले होमस्टे देख लेते हैं जी सर, जी सर, फिर भोजन कर लेंगे जी सर, जी सर। आइए सर ऊपर होमस्टे, नीचे बना है? नीचे हम लोग, हमारी फैमिली है, नीचे हम लोग रहते हैं। अच्छा, ऊपर हमने गेस्ट रूम बनाया। आइए। अरे वाह, बड़ा अच्छा बनाया भैया आपने। जी सर, जो भी हमारे यहाँ बाहर से गेस्ट आते हैं उनको गाँव की तरह हम रखते हैं, गाँव का पूरा लुक देते हैं सर। रूम देख लें एक बार। जी सर, आइए रूम। रूम तो भाई आपने अच्छा बनाया हुआ है। जी सर, तो ये भी वॉल सारी ये मिट्टी की है। ये जो कलाकारी है मेरी माताजी ने की है, चित्रकारी नेचुरल है, मेरी माताजी ने बनाए हैं सब। अति उत्तम। और ये ऐसा रूम बना है सर जो इतने बहुत मोटी दीवार है इसकी, जो गर्मी में ठंडक देता है और ठंडी में गर्माता है। ये नॉन एसी है सर ये। तो इसका मतलब अगर मई महीने में जब 48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ चल रहा होगा, हाँ, तो इसमें उसमें आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ती, कूलर और पंखे में ही काम चल जाता है सर। वो बढ़िया काम। ये मध्य प्रदेश पायटन ने ऐसे बनवाया है गांव में कि जो गांव के घर थे जो पहले, तो लोग कैसे रहते थे उस समय, तो ना तो कोई एसी थी ना कुछ था, तो उस समय को देखते हुए जो बाहर से लोग आ रहे हैं गेस्ट, उनको नेचुरल गांव की तरह रखा जाए, गांव के ही बिल्कुल लुक पे ये बना है मिस्टर। ऊपर का सेटअप देखो, ये कैसे बनाया? ये सर लकड़ी है, लकड़ी लगी है ऐसे, फिर बांस लगा है, बांस के ऊपर खप्पर है, देसी खप्पर मिट्टी का। खप्पर क्या होता है? टाइल? नहीं, टाइल नहीं, वो गांव में जो घर होते कच्चे मिट्टी के, वैसे ही पूरा है। पानी अंदर तो नहीं आता? नहीं सर, पानी नहीं अंदर आता है। और ये इधर सर ड्रेसिंग रूम है हमारा, चेंजिंग रूम। हाँ, और वॉशरूम? वॉशरूम सर इसी के अंदर है। काम तो भैया आपने बहुत अच्छा किया। अभी कितने रूम है आपके पास? सर हमारे पास एक ही रूम है अभी फिलहाल, ये वॉशरूम है सर। तो वॉशरूम में आपने एकदम इंग्लिश स्टाइल बनाया? जी सर। मतलब गांव के अंदर भी कंफर्ट देने की पूरी कोशिश की है? जी सर, जी सर। ये तो क्या टैरिफ लेते हैं आप इसका सर? रूम का हमारा दो एक कपल हो या फैमिली हो, दो रूम, दो लोगों को 1500 रुपए रूम चार्ज है, उसमें चाय और नाश्ता इंक्लूड है सर। रेट भी रीजनेबल है जी। तो यहाँ पे सांप सूंप का खतरा होता है? सांप आपका इस एरिया में? नहीं नहीं नहीं, किसी का, क्योंकि आप तो एकदम जंगल के साथ ही बैठे हुए हो। नहीं, कभी नहीं सर, ना कोई सांप आप कुछ नहीं यहाँ आते। और कभी जंगली जानवर? जंगली जानवर आ जाता है कभी, लेपेट आ जाता है, टाइगर भी आ जाता है। जनवरी फरवरी में जब कोहरा बहुत तेज होता है तब आ जाते हैं यहाँ, बगल से गाय आए पकड़ के ले जाते हैं टाइगर। लेट नाइट को या घर से निकलते हो? नहीं सर, हमारी घर में सेपरेट रहते हैं हम, घर के अंदर नहीं आते, वो घर से रोड रोड सीसी रोड पे ऐसे घूम के निकल जाते हो, क्योंकि घर के सामने बल्ब फलब जलते रहते तो घर में नहीं आते। वैसे यहाँ महीने मतलब एक साल में 2-3 बार टाइगर का आना, 5-6 बार लेपेट का आना, और भालू, भालू बियर का, ये तो हमको देखते ही देखते आवाज़ भी यहीं से हमारे होम स्टे से सुन सकते हैं आप, ये अपने हाइना की आवाज़ भी सुन सकते हैं यहाँ से, और सांभर हो गया, चीतल हो गया, भालू हो गया, इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। बेहतरीन, मज़ा आया आपकी जगह देख कर। आओ अब लंच करते हैं। जी सर, लंच सर यहीं लगा देते हैं। लंच में आप देखिए हम कितना अमेजिंग फूड खा रहे हैं। सहजन के फूल से ये सब्जी बनाई गई है। ये जड़ का आपने क्या नाम बताया? ये जड़ सर कांदा, जंगलों में पाई जाती है। कांदा? कांदा जी। अभी देख सकते हैं आपके पास है? अभी नहीं है सर, क्या है कि ये बहुत महंगी आती है, जंगल से मिलती है। अच्छा, साथ में इन्होंने उड़द दाल बनाई है, देसी देसी, आमले का चटनी, और ये ना रोटी है, इसमें एक तो आटा है और साथ में ये मिलेट है, इसको यहाँ ये कह रहे हैं कुदवा बोलते हैं, और वैसे इसको कोदा मिलेट बोलते हैं। हाँ, कोदा मिलेट। कोदा, तो आप लोग इसको कुदवा बोलते हैं। हाँ जी सर। तो इसका चलन ना बड़ा कम है, मतलब आपके यहाँ तो हमने देख लिया लेकिन आसानी से मिलता नहीं है। जी सर, सर क्या है कि ये फूड जो आज से 30-40 साल 50 साल पहले होता था, ये आपने चलो अच्छा काम किया हमारे लिए, तो इसमें आटा और ये मिक्स करके बनाया, और ये ठंडियों में खाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है सर। वेरी गुड। और अभी मैंने देखा नीचे चूल्हे में कैसे गरम गरम रोटी बना रहे थे, सेक रहे थे, तो देखने से ही लग रहा था कि बड़े पुराने समय में तो इसी प्रकार से भोजन बनता था। जी सर, चलो शुरू करते हैं। तो इसका ये डालने से रोटी हार्ड हो जाती है, तो पहले ये टेस्ट कर लेंगे। तो आप लोग तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? फॉर्चून का सर। फॉर्चून का? सरसों नहीं चलता आपके यहाँ पे? सरसों चलता है लेकिन कम यूज करते हैं सर, सरसों करते हैं, जैसे चिकन मटन है इसको इसमें बनाते हैं सरसों के तेल। ये कांदे का जो स्वाद है ना, ये कुछ कुछ अरबी के जैसा है, मज़ेदार है, और ये जो उन्होंने रोटी बनाई है ना, इसका स्वाद बड़ा गजब है। मैं सच बताऊँ अगर मैं इसको गेहूँ की रोटी के साथ खाता ना तो मुझे उतना आनंद नहीं आता जितना ये इसके साथ है। जी। कोदा की रोटी, कांदा मेरे को बड़ा मजेदार लगा। जी, थैंक यू।
अब दाल टेस्ट करेंगे। सीरियसली उड़द की दाल तो हमारे घर में हर तीसरे दिन बन, तीसरा क्या मतलब, तो हफ्ते में दो दिन तीन दिन तो कंफर्म है, लेकिन ये दाल का स्वाद ही बड़ा अलग है। सर देसी दाल है हमारी, तो ये देसी दाल में और दूसरी दाल में क्या फर्क है, मेरे को क्यों इतनी अच्छी लग रही है बताओ। ये सर हमारे जो खेत होते हैं उनमें हम केमिकल खाद नहीं डालते हैं, ये नेचुरल हमारी जो गाय भैंस की खाद निकलती है वही डालते हैं। अच्छा, आप केमिकल इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, हम केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने घर के लिए जो दाल का स्वाद ही अलग है। ये तो स्वाद में देखो कितनी सादगी है कि वही बस बेसिक सा जो जीरा नमक हल्दी और बहुत हो गया तो हरी मिर्च डाल दी और धनिया डाल दिया जी, इसके अलावा तो कुछ हो गया नहीं इसके अंदर जी सर। एक तो फूड बड़ा स्वादिष्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दूसरा जो सराउंडिंग है ना इसमें वो चांद डाल रहे, मैं रह रह के मेरे माइंड में आ रहा है कि जंगल बगल में है, गांव के अंदर बैठकर हम खाना खा रहे हैं और बगल के आप घर देखो, अभी कुछ तो कंक्रीट के घर भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन बगल में मैंने ये घर देखा सामने, और अभी आवाज़ यहाँ पर एक ही है, अगर हमारी जो हम बात करें इसको छोड़ दें तो पक्षियों की आवाज़ जो सामने पेड़ के ऊपर बैठे हैं उनकी आवाज़ आ रही है, उसके अलावा कोई साउंड नहीं है ना। हमें आपका पहले अगर पता चलता तो एक रात तो आपके यहाँ रुक ही जाता है। यह कि एक होम स्टे कभी दो रूम की जरूरत पड़े तो थोड़ा वो मुश्किल है, बनाएंगे सर दूसरा भी रूम। चलो कोई बात नहीं, वो तो आप अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन मेरे को जगह आपकी बेहद पसंद आई है। ये जो रोटी बनाई है ना इसको खा के तो आनंद आ गया, अगर आज मैं तवे की चपाती खा रहा होता ना तो मैं बोलता अच्छा है, लेकिन ये खा के तो बहुत अच्छा हो गया। कमाल है, इसके जो फूल है इसमें बहुत बढ़िया रस है, ये हमारे घर में भी हम लोग बनाते हैं लेकिन उतना अच्छा स्वाद क्यों नहीं आता, शायद इसका रीज़न ये है कि फूल हमारे ताज़े नहीं होते। अब दिल्ली में जो फूल आ रहा है सहजन का, वो ऐसा तो नहीं आ रहा ना कि सुबह तोड़ा और हमने दोपहर में सब्जी में बना लिया। आपने फूल कब निकाले पेड़ से? ये सर 12 बजे दोपहर में, दोपहर में 12 बजे निकाले और अभी हम 4:30 बजे आपके यहाँ लंच कर रहे हैं जी सर, ये तो फ़र्क है। ये सर बिल्कुल ताज़ा है, ताज़गी तो सारी गेम है यहाँ पे जी। और उड़द दाल बाजार से लेते हैं इसके भी खेत है? हमारा खुद के घर की है ये दाल। अच्छा, बाजार से नहीं लाते, और जो अपनी पत्थर की जतरिया होती है उससे दरते हैं, चक्की की दरी नहीं है, चक्की की दाल का स्वाद अलग है, हाथ की दरी हुई चतरिया का स्वाद अलग है। एक चीज़ ना और बड़ी है इंटरेस्टिंग, ये आटा जब हम पिसवाते हैं ना अपने घर के लिए, दाल तो चलो एक नेक्स्ट लेवल चले गए, आटे को जब मशीन में पिसता है तो वो गर्म हो जाता है तो उसके बड़े सारे मिनरल्स और विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं जो मर्जी कह लो, और ये दालों के साथ भी होता है, जब मशीन में दाल का टुकड़ा होता है वो घर में उतना नहीं होता, गर्म तो उसमें भी होता है लेकिन लेवल कम होते हैं, मशीन बहुत गर्म करता है, तो एक तरह से ये हेल्दी सिस्टम भी है। मैं ठीक है ठीक बोल रहा हूँ ना? जी सर जी सर जी सर, अति सुंदर है। आपसे संपर्क बनाए तो वेजिटेरियन फूड का जैसे हमारे केस में बता दो जी सर, तो पर पर्सन क्या चार्ज लेते हैं सर? 300 रुपये थाली लेते हैं, और इसका सादा खाने का जैसा 4-5 आइटम 3-4 आइटम बना दिया जी सर जी सर। और नॉनवेज में? नॉनवेज में 400 रुपये सर। तो 3-4 घंटे पहले कोई इन्फॉर्म कर दे तो तैयारी कर देते हैं? हाँ तैयारी कर देते हैं, एकदम ताज़ा फ्रेश खाना देते हैं। नहीं अब इससे ज़्यादा फ्रेश क्या होगा, 12 बजे सहजन के फूल तोड़ रहे हैं और 4:30 बजे हम लंच में खा रहे हैं, वो भी हम लेट हो गए जी, तो अल्ट्रा फ्रेश हो गया। तो जी आपने कुछ मीठे में भी बनाया? हाँ सर हम स्वीट बनाते हैं। ये काम बहुत बढ़िया किया जी, जो जंगल से महुआ का फूल होता है उससे स्वीट बनाते हैं, जंगल में पाया जाता है। अच्छा जी, चलो तो मैं ये 5-7 मिनट में फिनिश करता हूँ जी, तो फिर वो भी खा लेते हैं। ये सर जंगल में पाया जाता है महुआ, महुआ का पेड़, 3 मार्च-4 अप्रैल में आता है इसका फूल। अच्छा, इसको सुखा के और रख लेते हैं घर में, फिर इसको मिट्टी के बर्तन से भूंज के तेल और महुआ को कूटते हैं। हाँ। इसको बोलते हैं मुर्गा, और वो महुआ की खीर है। इसको मुर्गा बोलते हो? जी सर, महुआ की खीर है। महुआ की खीर, तो इसमें दूध भी होता है? हाँ सर दूध, इसमें गली है और ये काजू किसमें से सब कुछ डाल। महुआ हमने छत्तीसगढ़ में देखा था, इससे लिकर भी बनती है। तो फूल आपने बताया 2 फरवरी-3 मार्च में, तब के फूल हैं आपके पास? हाँ, तब के रख लेते हैं। बड़ी गजब की चीज़ है तो जी सर, पहली बाइट खाते हैं मेरे को तो ये समझ में आया, जैसे मैं तिल के लड्डू खा रहा हूँ, पूरा का पूरा टेस्ट तिल के लड्डू जैसा है, और ये क्या मज़ेदार है जी सर। ये कोई भी खा सकता है, शुगर वगर वाला भी खा, जैसे कोई शुगर की बीमारी है ना वो भी खा सकते हैं, कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं है।
गजब। एक काम करते हैं, सौसा ये भी टेस्ट कर लेते हैं, फिर मैं आराम से खाऊंगा। देखो कुछ कुछ तो स्वाद कह सकते हो, किशमिश और गरी का आ रहा है, बाकी महुआ को तो बार बार खाना पड़ेगा उसके टेस्ट को समझने के लिए। दोनों मिठाई आपने मजेदार बनाया, तो भाई साहब धन्यवाद। तो हम फूड फिनिश करके आपको पेमेंट कर देते हैं, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। आप सबने जो हमारे लिए भोजन तैयार किया है, मेरे को बेहद पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाह रहा था आप सबको एक साथ मिल जाए, तो आपको मैं धन्यवाद कर दूँ। तो बेटा आप स्कूल जाते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पाँचवीं में। तो ये भी जाता है स्कूल? नहीं, ये नर्सरी जाता है। नर्सरी जाता है, अच्छा। तो मेरे पास ना कुछ किताबें हैं, कॉपी हैं, तो अब इसमें आप जो ठीक समझो, ये बच्चा तो ड्राइंग कर सकता है और आप स्कूल में इस्तेमाल कर लो, ठीक है? चलो, उसने समझ गया, कह रहा है कॉपी आ गई मेरे पास, ठीक है जी, चलो धन्यवाद, ओके, नमस्ते, नमस्ते, बाय। चलो अब हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, धन्यवाद, बाय बाय। नहीं नहीं कहेगी, बड़ा आनंद उठाया हमने आज के भोजन का, धन्यवाद, थैंक यू। इस समय ना मैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स के पास ही खड़ा हूँ, यहाँ अंदर से आप टेंपल विजिट करने जाते हैं, मतलब हम कल जाएंगे। अभी तो मैंने लाइट एंड साउंड शो की टिकट ले ली है, इधर बगल में ही टिकट काउंटर है, 250 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लाइट एंड साउंड शो की आती है। 7:40 का शो है हिंदी में, उससे पहले इंग्लिश शो कम्प्लीट हो चुका है, 7:35 ऑलरेडी हो गए हैं, अब बस हमको चलना चाहिए क्योंकि 5 मिनट में शो चालू हो जाएगा। फिर वापस आके मैं आपको ज्वाइन करता हूँ और बताता हूँ अंदर लाइट एंड साउंड शो में मैंने क्या क्या देखा। मंदिर में इतनी नारी प्रतिमाएं क्यों अंकित की जाती हैं? जैसे धर्म पत्नी बिना वंश नहीं फलता, वैसे ही नारी चित्रण रहित मंदिर भी सार्थक नहीं होता। कार्य पूर्ण होने पर यह पहले के सभी मंदिरों से सर्वोत्तम होगा और भविष्य में कभी कोई इसका प्रतिरूप नहीं बना सकेगा। लाइट एंड साउंड शो देखकर अभी मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ। देखिए जो खजुराहो के टेंपल्स हैं ना, इसका निर्माण चंदेलास के टाइम पे हुआ, तो हम 1000 से ज़्यादा साल पुरानी बात कर रहे हैं। उसके बाद चंदेलास में वंश बदलता गया, मतलब आगे बढ़ता गया और मंदिरों की कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहा। तो ये काफ़ी जनरेशन्स लगी हैं पूरे खजुराहो के मंदिर बनाने में। महमूद गजनी का आक्रमण का यहाँ पर बात किया गया, कलिंजर फोर्ट की बात करी गई, कब कब अटैक्स हुए, कैसे हुआ। अब कल जब हम घूमने जाएंगे तो टेंपल्स अंदर से देखेंगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने होटल। कुतनी आइलैंड है यहाँ पर, एमपी टूरिज्म का प्रॉपर्टी, जो खजुराहो में नहीं है लेकिन यहाँ से लगभग 20 मिनट के रास्ते पे है। आज हम नाइट स्टे वहाँ करने वाले हैं। ये एमपी टूरिज्म का प्रॉपर्टी है। जब मैं आ रहा था ना बाहर से, अभी अंधेरा है तो मैं आपको बाहर की फुटेज नहीं दिखा सकता, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि एक बड़ी सी वाटर बॉडी है, वैसे डैम है यहाँ पर, इतना मुझे पहले से मालूम था। और मैंने ना काफ़ी लोगों से पूछा था कि अगर मुझे चॉइस करनी है खजुराहो में और इस जगह में, किसको चूज़ करूँ नाइट स्टे के लिए, तो मुझे सब ने बोला कि आप यहाँ पे रुको क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मॉर्निंग में व्यू देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। लगभग 3,680 रुपीज़ यहाँ पर टैरिफ है, इंक्लूडिंग टैक्स एंड ब्रेकफास्ट। इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सुबह में नाश्ता जल्दी दे दें, जिससे कि हम लोग टेम्पल विजिट करने चले जाएँ। ठीक है भैया, रूम दिखा दीजिए, रूम देख लीजिए, अच्छा स्पेशियस है। और जैसा हमेशा मुझे एक टेबल चेयर चाहिए होता ना, जिसमें बैठ के मैं अपना कंप्यूटर पे काम कर सकूँ, ये वैसा का वैसा है। तो आपको एक बार बाहर व्यू दिखा देता हूँ, फिर बाय बाय करूँगा। थोड़े मच्छर आएंगे तो इसलिए मैं फटाफट दरवाज़ा ना बंद कर दूँगा। तो आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड हो रहा है, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।